फ्रेंड्स, आज एक और मैनिफेस्टेशन की टेक्निक। मुझे पता है बहुत से लोग कमेंट्स में अब लिखने लग गए हैं कि इतनी सारी टेक्निक्स हैं, कौन सा यूज़ करें। आप लोगों के कन्वीनियंस के हिसाब से टेक्निक्स हैं। सारी टेक्निक्स यस नहीं यूज़ करनी होती है, बट बहुत सी टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो कई लोगों को सूट करती हैं, करने में कन्वीनियंट होती हैं, और बहुत से लोग नहीं कर पाते। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि जिसको जो कन्वीनियंट लगे वो यूज़ कर सकते हैं। अभी जो नॉट टेक्निक मैं बताने जा रही हूँ, नॉट मतलब गांठ, ओके, गांठ लगाने वाली टेक्निक जो मैं बताने जा रही हूँ, ये अगर कोई टेक्निक्स कर भी रहे हो आप लोग, उसके साथ भी कर सकते हो। बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है कि हम लोग लिखते हैं हम कितनी टेक्निक्स करें। टेक्निक्स इतनी सिंपल सिंपल है, आपको विश चाहिए ना, अपनी अपनी विशेस सबको मैनिफेस्ट करनी है, तो हम अपनी विशेस के लिए तो न जाने कितनी मन्नतें, कितनी मुरादें मांगते हैं। तो एक सिंपल सी टेक्निक करने में क्या जा रहा है, क्या पता कौन सी टेक्निक से आप सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट बिठा पाएं, राइट? सारी टेक्निक्स का काम तो ये है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बेसिकली अपने थॉट को लेके जाना है, इतना ही काम है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा बातें ना करते हुए नॉट टेक्निक बताने जा रही हूँ। नॉट मतलब गांठ। आपने देखा होगा हमारी दादी नानियाँ जो पीछे के ज़माने से अगर हम याद करें, तो अगर कुछ चीज़ कोई बात होती थी तो अपने आंचल, अपने पल्लू में एक गांठ मार देते थे बोल करके। कोई विश है, कोई चीज़ है, कोई बात है, कोई मन्नत है, उसको बोलते हुए एक गांठ मार देते थे। उस गांठ में क्या इतना जादुई होता था कि मतलब उन लोगों को इतना विश्वास था कि हम गांठ मार रहे हैं तो ये ठीक हो जाएगा, ये विश पूरी हो जाएगी। और एक बहुत से मंदिरों में भी होता है। एक मंदिर तो मैं यहाँ पे छतरपुर मंदिर है, बहुत से लोगों ने सुना होगा, जाना होगा, जाते भी गए भी होंगे। वहाँ पे भी है कि अगर आप माता की चुन्नी लेकर के उसमें अपनी मुराद की, अपनी विश की गांठ मार के बांध देंगे तो वो मुराद पूरी हो जाती है। और फिर ये मानता है वहाँ की कि फिर वापस आकर के उस गांठ को आपको खोलना होता है, रिलीज़ करना होता है, और जो भी आपने मन्नत मुराद मांगी थी वो पूरी करनी होती है। मतलब कोई ऑफरिंग अगर आपने माननी हुई थी कि हम ये चढ़ाएंगे, या कोई चढ़ावा आपने माना हुआ था, तो वो पूरी करनी होती है। इस तरह से गांठ एक मैजिकल है इसमें इफ़ेक्ट, ठीक है, ये करता है कुछ ना कुछ तो ऐसा इफ़ेक्ट है इसमें कि बहुत जल्दी बहुत आसानी से चीज़ों को मैनिफेस्ट होता है, राइट? अच्छा, अब आपने देखा है जब शादी होती है, जब फेरे लेते हैं हिंदू धर्म में हमारे, तब दोनों जो हस्बैंड वाइफ होते हैं या वर वधू होते हैं, उन दोनों के जो भी है दुपट्टे को ले करके और उसको गांठ मारा जाता है, तब सात फेरे शुरू होती है। तो सोचिए कि हम लोगों के लिए इस बंधन का, इस गांठ का कितना 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 महत्व है, राइट? कुछ तो इसमें मैजिकल है, कुछ तो इसमें जादू है कि एक गांठ से सारी ज़िंदगी बंध जाती है। एक गांठ में वो वचन बंध जाते हैं जो हम, जो उस समय पंडित जी शायद बोलते हैं वचन लेने के लिए, राइट? सो यही गांठ से आज हम अपनी अपनी विशेस पूरी करेंगे, अपनी अपनी विशेस के लिए मैनिफेस्ट करेंगे, और इसे हम नॉट टेक्निक बोलेंगे, नॉट मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ओके? सो बहुत सिंपल सा है। आप जो लड़कियाँ हैं, गर्ल्स हैं, वो करना चाहती हैं, अगर आप डेली में, जैसे हम, हमारा पहनावा सूट है, सूट सलवार अगर हमने पहन रखा है और उसके साथ दुपट्टा है, या कोई भी ऐसी ड्रेस है जिसके साथ हम दुपट्टा कैरी कर सकते हैं, चुन्नी दुपट्टा इस तरह का कुछ कैरी कर रहे हैं, तो या साड़ी पहनते हैं, ठीक है, जो मैरिड वुमन है, अगर मैरिड अनमैरिड कोई भी, प्लीज़ जो भी, अगर साड़ी है आउटफिट या फिर सूट सलवार दुपट्टा है या कुर्ता दुपट्टा है या दुपट्टा है किसी भी आउटफिट के साथ, गर्ल्स के लिए बता रही हूँ स्पेशली, तो आप डेली में एक हैबिट की तरह अपने उस दुपट्टे में एक अपनी विश बोल के, जैसे मॉर्निंग में आप उठे, ड्रेसअप हुए, मिरर के सामने हम रेडी होते हैं, स्पेशली मिरर के सामने, राइट? मिरर के सामने आप खड़े होकर के मिरर में देखते हुए अपने उस दुपट्टे में अपनी विश बोल के, ओके? रिलेशनशिप वालों के लिए बेसिकली, जिनको चाहिए कि मेरी हमारी कॉल आ जाए, या फिर मैरिज कमिटमेंट मिल जाए, या शादी के लिए पेरेंट्स राज़ी हो जाएं, या फाइनली शादी हो जाए, वो मिरर में देखते हुए प्रेजेंट टेंस में, ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में, कि मुझे कॉल आ गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, इस तरह से 3 बार अपनी विश बोल के उस गांठ को बंद करोगे, ठीक है? मतलब आपने अपना आंचल लिया, अपनी विश बोली, 3 बार बोली, और इसके बाद उसमें एक गांठ मार दी, साइड में छोटा सा गांठ मार दीजिए, छोटा सा बिल्कुल, राइट? और वो गांठ मार के छोड़ दिया आपने, अब उसको आप छोड़ दो, वो आपने ओढ़ा हुआ है, पहना हुआ है, बस उसका काम जो करना है वो अपने आप हो जाएगा,
ये है एक टेक्निक, मिरर में देखते हुए आपने करना है। वाई, यहाँ पे दोनों वाइब्रेशन है, एक तो मिरर से आपको रिफ्लेक्ट होके आएंगी चीज़ें, दूसरा ये नॉट आपके लिए मैजिक करेगा। ये जो नॉट में आपने गांठ बांधी है, जो बात आपने उसमें बोली है, ये सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ईजिली एब्जॉर्ब होगी, राइट? तो ये हो गया। दूसरा है हमारे बॉयज़ के लिए, जेंट्स के लिए, ठीक है, जो कि डेली में आप जब मॉर्निंग में तैयार होकर निकलते हैं तो ज़्यादातर लोग हैंकी रखते ही रखते हैं, राइट? तो आप लोग अपने अपने हैंकर चीफ में, हैंकी में, रुमाल में, ओके, रुमाल में, कोने में, सेम यही चीज़ फॉलो करेंगे मिरर के सामने खड़े होके मॉर्निंग में। बार बार बोल रही हूँ मैं, मॉर्निंग में जब आप रेडी होंगे मिरर के सामने खड़े होकर के उस रुमाल में अपनी विश बोल करके गांठ मार देंगे, ठीक है? जिन लोगों के पास दुपट्टा नहीं है, सपोज़ आज कोई हम वेस्टर्न आउटफिट या कुछ भी ऐसा आउटफिट पहन रहे हैं जिसके साथ कोई दुपट्टा नहीं है, हम रुमाल भी नहीं कैरी करना चाह रहे, तो फिर हम क्या करें? तो फिर आप सिंपल सा एक काम करेंगे, या ब्लैक या रेड, ओके, दो धागे सबके घरों में अवेलेबल होता है, ब्लैक एंड रेड धागा। अगर नहीं है तो आप ले आइए, हार्डली 5 से 10 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है? वो धागा आप अपने पास रखेंगे, अगेन मिरर के सामने खड़े होंगे और अपनी विश बोलते हुए, एक जैसे कि ये धागा है, अपनी विश बोली मैंने 3 times, ठीक है, जो भी मेरी विश है प्रेजेंट टेंस में बोली, मुझे शादी, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है। अगर आप मान लो इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो इंटरव्यू से पहले आपने बोल दिया कि आज मेरा इंटरव्यू मैंने क्रैक कर लिया और मुझे मेरी जॉब में सिलेक्शन हो गया है, आज मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, इसको आप 3 बार रिपीट करो, थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू यूनिवर्स बोलो, और सिंपल सा गांठ, सिंपल सा ये नॉट बांध दिया आपने, इसको आप अपने पर्स में कैरी करके ले जाओ, अपने पास कहीं रख दो सेफली, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये आपने करना है। जिन लोगों के पास दुपट्टा रुमाल अवेलेबल नहीं है, एक धागा लेंगे, रेड कलर का इस तरह का धागा मिलता है, मार्केट में भी मिलता है, अगर घर में है तो आप घर में ले लीजिए, ठीक है, उस तरह का धागा लेके उसमें अपनी विश बोल के एक नॉट मारेंगे। अब सवाल ये उठेगा सबका कि हम डेली कर सकते हैं इसको, या एक दिन करना है, या कब करना है? जो लोग अपनी अपनी विशेस के लिए दुपट्टे में बोल रहे हैं, अगर एक दिन आपने कर लिया और दुपट्टा होता क्या है, बेसिकली हमारे क्लोथ्स जब धुलते हैं तो ये गांठें खुल भी जाती हैं कई दफ़ा, तो खुलने के बाद पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी गांठ खुल गई, कोई बात नहीं, आप दोबारा से गांठ लगा सकते हो। इसको आप कंटिन्यूस चाहें तो 21 डेज कर सकते हो, नहीं तो एक बार गांठ लगा के इसे आराम से रख भी सकते हो, जब तक ये गांठ अपना काम करेगी, ये है आपके पास। पर अगर कुछ लोगों को है कि नहीं, जब तक मेरी विश नहीं पूरी होती क्या हम तब तक कर सकते हैं, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे मान लो आप दुपट्टा अगर रोज़ ओढ़ रहे हो, हर दुपट्टे में भी आप लगा सकते हो कि आज मैंने जो ड्रेस पहनी है उसमें मैं एक छोटा सा नॉट बांध देती हूँ। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में कब ये चीज़ चली जाएगी, कब वहाँ से मैनिफेस्ट हो जाएगी, यूनिवर्स का तो ट्रेमेंडस पावर है ही, राइट? तो ये है नॉट मैनिफेस्टेशन टेक्निक। आई होप मैंने छोटे छोटे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं इसमें। और जो धागा रख रहे हैं वो क्या रोज़ धागा बदलेंगे? नहीं, धागे में बहुत लंबी जगह होती है, थोड़ा लंबा थ्रेड ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कल फिर मुझे मिरर के सामने मेरा मन है कि मैं नॉट बांधूं अपने विश को बोल के, अगेन उस नॉट को खोलने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद जो जगह बचती है उसमें अपनी विश बोल करके और नॉट बांधिए। अब ये बहुत सारी विशेस के लिए एक ही थ्रेड में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक विश के लिए एक थ्रेड, या एक विश के लिए एक दुपट्टे का नॉट या रुमाल में नॉट, समझ में आ गया? एक विश ही इसमें मैनिफेस्ट करनी है, जब वो विश मैनिफेस्ट हो जाएगी, मिल जाएगी, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट नॉट बांध सकते हैं, नेक्स्ट गांठ आप लगा सकते हैं। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। अगर जिन लोगों को है कि डेली हम क्या अब रोज़ रोज़ दुपट्टे में गांठ बांधेंगे या भूल गए तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी गोइंग रहिए टेक्निक्स के साथ, राइट? ठीक है, बहुत सी टेक्निक्स हैं जिन्हें हमें स्किप नहीं करना, 21 डेज तक रखना है। क्यों रखना होता है? वाई? बिकॉज धीरे धीरे करके वाइब्रेशंस हाई होने लगती है, और बीच में जब आप 2-3 दिन का गैप दे देते हो ना, इंसान है हम, वो चीज़ एकदम से ड्रॉप डाउन हो जाती है, फिर आपको डे 1 से स्टार्ट करना पड़ जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं स्किप मत कीजिए। बट दिस नॉट वाला इज़ नॉट कि आपको 21 डेज ही करने हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं, आपका मन करे आप कर सकते हो, नहीं तो आपको जब लगे कि हाँ आज मुझे नॉट बांधनी है, मिरर के सामने खड़े होके ही नॉट बांधेंगे और प्रेजेंट टेंस में बोलते हुए ही बांधेंगे, और सब टेक्निक्स
का जो बेस है, जो सब टेक्निक्स को बूस्ट करता है, वो है सेल्फ लव। सेल्फ लव के बिना कोई टेक्निक काम नहीं करेगा, इसलिए प्लीज़ सेल्फ लव पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। सेल्फ लव की वीडियोज़ मैं यहाँ पे एंड स्क्रीन में डाल दूँगी, आप लोग प्लीज़ सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए एंड ये नॉट टेक्निक यूज़ कीजिए। हर छोटी बड़ी विश के लिए ये काम करेगा, स्टडीज़, एग्ज़ाम, हेल्थ, हर विश के लिए, हर विश के लिए नॉट टेक्निक बहुत यूज़फुल है एंड रिलेशनशिप के लिए तो मिराकुलस है ही। सो दैट्स ऑल गाइज, यही था नॉट टेक्निक के लिए मेरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास, आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।